व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने जा रही है, तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। आज हम आपको एक ऐसी हिस्ट्री बताने वाले हैं उस चेफ के बारे में जिसका लोगो आपकी शर्टों पर होता है। चे गुवेरा अर्जेंटीना का इनकलाबी लीडर था। चे उर्फिया दे वो 14 जून 1928 को अर्जेंटीना के शहर रोजारियो में गुवेरा घराने में पैदा हुआ। इसके वालिदैन ने इसे अर्नेस्टो गुवेरा का नाम दिया। वो अपने 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। अर्नेस्टो बचपन से ही इस्थमा की बीमारी का शिकार था, इसलिए इसके वालिदैन ने इसको स्कूल भेजने से बेहतर घर में ही तालीम देना बेहतर समझा। तो फुटबॉल के एक अच्छे खिलाड़ी थे और इसके साथ साथ वो कई कई किलोमीटर रोजाना साइकिल भी चलाया करते थे। शतरंज इनका एक पसंदीदा मशगला था। पेशे के लिहाज से वो एक डॉक्टर थे। वो अपनी लाइब्रेरी में घंटों घंटों गुजारते। उनको शायरी में निहायत दिलचस्पी थी, लेकिन साथ ही जदीद कम्युनिज्म के बानी कार्ल मार्क्स के वो किताबें भी पढ़ते थे। कल ही केल्विनिज्म ने इनके दिल और दिमाग पर कब्जा पा लिया। ये वो दौर था जब दुनिया दो निजामों में तब्दील हो चुकी थी। एक तरफ अमेरिका, बर्तानिया और फ्रांस जैसे ममालिक थे। केम्युनिज्म यानी गरीब तबके की हिमायत का दावेदार निजाम था। सोवियत यूनियन और चीन केम्युनिज्म के सुरखेल माने जा रहे थे। पाकिस्तान और भारत समेत कम तरक्की याफ्ता ममालिक कम्युनिज्म के दीवाने थे। अर्निस्टो को कम्युनिज्म की तरफ लाने में किताबों से ज्यादा सफर का ताल्लुक था। अर्निस्टो ने कम उम्र में साइकिल और मोटरसाइकिल पर अर्जेंटीना के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। वो हमसाए ममालिक चिल्ली भी गए, गुएटे माला भी गए और वहां पे एहतजाजी मुजाहरों में हिस्सा भी लिया। इस सफर के दौरान उन्होंने गरीबों की हालत जार देखी और जिसकी वजह से उनका अमीराना तबके से नफरत का इजहार और ज्यादा बढ़ गया। अर्निस्टो कम उम्र में इनकलाबी ग्रुपों में शामिल हो चुके थे, लेकिन उनकी जिंदगी में अहम मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात फिदेल कास्ट्रो से हुई, जो कि क्यूबा के रहनुमा थे। फिदेल कास्ट्रो ने पहली मुलाकात में अर्निस्टो को अपना बेहतरीन दोस्त बना लिया था। फिदेल कास्ट्रो ने ही इन्हें चे का निकनेम दिया, जिसका मतलब है यू। और यू अर्जेंटाइन के अर्निस्टो क्यूबा के चे गुवेरा बन गए। कास्ट्रो क्यूबा में इनकलाब लाना चाहते थे और जिसके लिए चे से बेहतर साथी उन्हें मिल ही नहीं सकता था। क्यूबा की हुकूमत से बचने के लिए चे और कास्ट्रो ने मेक्सिको में पनाह ले रखी थी, लेकिन मेक्सिको की हुकूमत ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। कुछ अरसे बाद जब कास्ट्रो को रिहा करने लगा तो उन्होंने चे के बगैर जेल से निकलने से इनकार कर दिया। चे ने कोशिश करी कि कास्ट्रो रिहा होकर कम्युनिज्म की मुहिम चला सके। कुछ ही दिनों बाद मेक्सिको ने इन दोनों को रिहा कर दिया और रिहाई के बाद इन दोनों दोस्तों में, इनकलाबी दोस्तों में, बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई। फिर ये दोनों दोस्तों मेक्सिको से रिहा होकर क्यूबा आ गए। इन्होंने इनकलाबियों का एक लश्कर बनाया और उनके साथ उनको जंगी तरबियत भी देना शुरू कर दी। 1958 में कास्ट्रो और चेगुवेरा के हजारों साथियों ने अहम जितने भी क्यूबा के शहर थे उनके ऊपर ये काबिज हो गए। क्यूबा के अहम शहर सांता क्लारा पर कब्जा कर लिया। उस टाइम क्यूबा के सदर ने, जिसका नाम बतिस्ता था, उसने अपनी बड़ी मुश्किल से जान बचाई और वो अपने मुल्क से एक जहाज के जरिए दूसरे मुल्क फरार हो गया। क्यूबा पर कम्युनिज्म का परचम लहराया गया। ये एक क्यूबा के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। क्यूबा का इनकलाब अपने दौर का बहुत बड़ा इनकलाब था, क्योंकि उसके साथ एक ऐसा मुल्क था जिसे हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। वहां कम्युनिज्म के हामियों ने दूसरे मगरबी ममालिक के लिए खतरे की घंटी बजा दी थी, लेकिन यहाँ फिदेल कास्ट्रो और चे के दरमियान की दोस्ती में पहली दरार पड़ चुकी थी। फिदेल कास्ट्रो इनकलाब का क्रेडिट खुद लेना चाहता था, इसलिए उसने चे को दारुल हुकूमत में आने से मना कर दिया था और खुद फाते की हैसियत से शहर में दाखिल हुआ। कास्ट्रो ने क्यूबा की हुकूमत भी खुद संभाल, लेकिन वो चे को इनकी वफादारी का नाम देना भी नहीं भूले। इनकलाब के बाद चे को क्यूबा की शहरियत देने के बाद खजाने का वजीर मुकर्रर कर दिया गया। अब चे गुवेरा एक सरकारी अहम ओहदे पर फाइज था, लेकिन उन्होंने इस ओहदे के बावजूद भी प्रोटोकॉल लेने को गवारा नहीं किया। वो अपने बीवी बच्चों के साथ एक आम सफर करते थे और वो मजदूरों के साथ मेहनत मुशक्कत भी करते थे। चे ने कम्युनिज्म और गोरिल्ला जंगों पर किताबें भी लिखी। क्यूबा में इनकलाब के बाद गोया चे की जिंदगी में एक ठहराव आ गया था। वो क्यूबा की आवाम के हालात बेहतर बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए। वो अमेरिका को सख्त नापसंद करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अक़वामी मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में अमेरिका में शिरकत की और वहां उन्होंने खिताब भी किया। जे गुवेरा मुख्तसर दौरे के लिए वो पाकिस्तान भी तशरीफ लाए। 1959 से लेकर 1965 तक कहा जाता है कि जे गुवेरा ने पाकिस्तान के 2 बार दौरे किए। क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी था, इसलिए क्यूबा के कैंप के वो मुखालिफ था, इसलिए चुगेरा के पाकिस्तान के दौरे को कवरेज नहीं दी गई। पाकिस्तान के अलावा चुगेरा भारत भी गए और वहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया।
क्यूबा में चे की जिंदगी निहायत पुरसकून गुजर रही थी, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी के अंदर एक भूचाल आ गया। हुआ यूं कि अमेरिका क्यूबा में इनकलाब के बाद बहुत सख्त परेशान था कि कहीं सोवियत रूस जो है वो क्यूबा के अंदर अपने फौजी अड्डे कायम ना कर ले। चुनाचा हुआ यूं कि अमेरिका ने क्यूबा के इनकलाब के खिलाफ लोगों को अपनी फौजी तरबियत देना शुरू कर दी। अमेरिका ने क्यूबा पर हमला करवा दिया, लेकिन ये हमला बाजाहिर तौर पर फतह की तरफ नहीं गया। क्यूबा के अंदर वापसी से सोवियत रूस को दरखास्त दे दी गई कि आप आए और अपने फौजी अड्डे क्यूबा के अंदर कायम करें। इस हमले के बाद चेगुवेरा को अमेरिका से इतनी नफरत हो गई कि उन्होंने अपने इत्तेहादी सोवियत यूनियन को अमेरिका में मिसाइल हमला दागने की दरख्वास्त दे दी। वो खुलेआम ये कहते थे कि अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क को सफाई हस्ती से मिटा देना चाहिए। अहम बात यह है कि सोवियत रूस ने इस दौरान एटमी मिसाइल अपने बहरी जहाजों पर नष्ट करके क्यूबा की तरफ रवाना भी कर दिए थे, लेकिन अमेरिकी बहरिया ने रास्ते में ही इन जहाजों को रोक लिया था, जिससे दुनिया एक पूरी एटमी जंग की तरफ चली गई थी। अभी सिर्फ इतना बता दे चले कि सोवियत रूस ने समझदारी से काम लेते हुए अपने बहरी जहाज वापिस बुलवा लिए और यूं तीसरी जंग अजीम टल गई, जिसमें दुनिया के लाखों करोड़ों लोग मारे जाते। लेकिन एक तरफ सोवियत रूस का यह एकदम बहुत दुरुस्त था, लेकिन चेगुवेरा का इनकलाबी जहन इस समझ को ना समझ सका। चे को लगा कि सोवियत रूस ने अमेरिका का दबाव बर्दाश्त करके ये एकदम किया और उसने इन हजारों मजदूरों और किसानों से गद्दारी की है। ऐसा लगता है कि चे के सामने भी वही चैलेंज दरपेश था जो एक नजरियाती इंसान के सामने हर मोड़ पर पेश आता है, और वो चैलेंज ये था कि नजरियात के लिए सब इंसानों की जानें दांव पर लगा दी या फिर इंसानी जिंदगी के खातिर अपने नजरियात छोड़ दिए जाए। इस सोच से चे ने रूस से हटकर चाइना के साथ ताल्लुकात बढ़ा दिए। चीन भी सोवियत यूनियन की तरह कम्युनिस्ट तो था, लेकिन दुनिया आलमी दुनिया के सामने चीन और सोवियत यूनियन एक दूसरे के सख्त मुखालिफ थे। चे की बढ़ती हुई चीन से दोस्ती सोवियत रूस को पसंद ना आई और उसने कास्त्रो को मजबूर किया कि वो अपने यराना दोस्त चे से आंखें फेर ले। फरवरी 1965 में अलजायर में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान उसने सोवियत रूस पर शदीद तनकीद की, और चे जब वापसी आया तो क्यूबा के अंदर कास्त्रो के कहने पर इसको गिरफ्तार कर लिया गया और तफ्तीशी सेंटर में इसको भेज दिया गया। चे जब सेंट्रल से बाहर आया तो वो बहुत ज्यादा अफसुदा और बहुत नाडाल था। चे ने क्यूबा सेंट्रल कमेटी को बरतरफ कर दिया। ऐसी अफवाहें भी थी कि कास्त्रो चे को कत्ल करवाना चाहते हैं। चे भी हुकूमती इकदाम से बिल्कुल मायूस हो चुके थे, तबीयत के इनकलाबी थे, इसलिए एक जगह बैठ नहीं पाए और अपने हुकूमती अहदे से इस्तीफा दे दिया और ऐलान किया कि वो नए महाजों की तरफ जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले कांगो जाने का मंसूबा बनाया, जहां पर वो गए लेकिन वो कांगो का इनकलाब लाने में नाकाम हो गए। चे नाकामी की तस्वीर बने, क्यूबा वापस लौट आए। क्यूबा वापसी आने पर कास्त्रो ने इन्हें बहुत समझाया कि वो इनकलाब लाने की जिद छोड़ दें और क्यूबा में आराम से जिंदगी बसर कर सके, लेकिन चेगुवेरा की इनकलाबी और जंगजू सोच उसको कहीं से ठहरने पर राजी नहीं कर सकी और फिर वो क्यूबा से निकले और इस बार इन्होंने बोलिविया का रुख किया, लेकिन जो बोलिविया के इनकलाबी बागी थे उन्होंने इनको अपना चे को जिंदा पकड़ने का या मुर्दा पकड़ने का उन्होंने फौज की एक यूनिट भी तश्कील दे दी थी। आखिरकार और 7 अक्टूबर 1967 को एक मकामी मुखबर ने फौज को चे और उसके साथियों के ठिकाने की इत्तला दी, जिस पर फौज हरकत में आ गई। अमेरिकन CIA कांगो से इसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी और ऑपरेशन में बोलिवियन अफवाज ने भी इसकी भरपूर मदद की। फिर प्लान बनाकर चे और उसके साथियों का घेरा तंग किया। तकरीबन 1800 फौजियों ने इस मिशन में हिस्सा लिया और CIA इन्हें गाइड कर रही थी। उसके साथी तादाद में कम थे मगर उन्होंने बहुत मुकाबला किया और आखिरकार उसके सारे साथी मौके पर ही मारे गए और चे जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ और इसको नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। एक अफसर कहते हैं कि हमने इसकी आंखों में रोब और चमक देखी और हमने देखा कि हर शख्स इसके पास से गुजर रहा था लेकिन इसको किसी चीज का डर नहीं था, और जो अफसर आ रहे थे इसे तफ्तीश कर रहे थे लेकिन वो किसी भी चीज का जवाब नहीं दे रहा था। अलबत्ता उसने मुझसे तंबाकू तलब की जो मैंने उसको खुद दी और जिस पर उसने मेरा शुक्रिया भी अदा किया। दो दिन तक इस पर मगरमारी करने के बाद कुछ हासिल ना हुआ तो उन्होंने ये रिपोर्ट सदर को पेश कर दी। इसने किसी मुमकिन प्रेशर से बचने के लिए वो मौत का हुक्म सादिर कर दिया। CIA चाह रही थी कि इसे पनामा मुंतकिल किया जाए ताकि इनकी स्पेशल टीम इससे मजीद तफ्तीश कर सके, मगर सदर को डर था कि अगर वो फरार हो गया तो फिर वो किसी के हाथ नहीं आएगा और इसकी हुकूमत खतरे में पड़ सकती है, लिहाजा इसने अपना हुक्म बरकरार रखा। आर्डर की तकमील के लिए इसी शाम शराबी जल्लाद को बुलाया गया जिसने इसी जंग में अपने 3 साथी खोए थे और चे को
उन जल्लाद के साथियों का मौत का जिम्मेदार समझा जाता था। और जब वो चे के सामने पहुंचा तो चे ने उसे उकसाया क्योंकि चे और एक आसान मौत की तवक्को कर रहा था, मगर शराबी जल्लाद ने प्लान के मुताबिक आड़ी टेढ़ी 9 गोलियां बरसाई और चे को बहुत इज्जतदार मौत दी। चे को मरे हुए काफी दहाइयां गुजर चुकी है, मगर उसकी अभी तक वो लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए बैठा, क्योंकि उसकी सोच, उसकी इनकलाबी सोच जो थी वो आज तक लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए बैठी है। उनकी 1960 में खींची गई एक तस्वीर जो आज भी प्रिंट होती है और जो गालिबन दुनिया की सबसे ज्यादा शाया होने वाली तस्वीर है, और वो आपको उन तमाम ममालिक में दिखाई देती है जहां आज भी तहरीकें इनकलाबी शुरू हो चुकी हैं, खुसूसन उन ममालिक में जहां इनकलाबी तहरीकें आज भी जारी हैं। एक गलतफहमी जो सिलसिले में पैदा होती है कि चे तमाम बागियों का हीरो है, जैसा कि पिछले बरसों जनूबी सूडान में देखा गया था जहां अलैदगी पसंद इसकी तस्वीर के सामने नजर आए। ये बात काबिले गौर है कि अलैदगी पसंद लोग मुल्क का बंटवारा करते हैं और इनकलाबी लोग ना अहल हुक्मरानों को हटाने की तहरीक चलाते हैं, और चे की जिंदगी का महवर यही तहरीकें रही हैं। इसकी शख्सियत आज भी क्यूबा में एक नेशनल हीरो की तरह है, अगरचे वो यहाँ का बाशिंदा नहीं है और वो अपने मुल्क अर्जेंटाइन में भी आज भी किसी हीरो की तरह याद किया और पढ़ाया जाता है, और आज पाकिस्तान में भी ऐसे इनकलाबी लीडर की जरूरत है। तो इसी वीडियो के साथ अपने वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आगे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।